हेलो रिवन। तो बच्चों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपने प्रोजेक्टाइल मोशन का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 1 और 2 में हम लोगों ने क्या पढ़ा, उसकी बात अगर किया जाए तो लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कुछ बेसिक्स की, प्रोजेक्टाइल मोशन के बेसिक्स क्या होते हैं, ग्रेविटी कैसे चेंज करती है वेलोसिटी को। और फिर हम लोग सेकेंड लेक्चर में इस पर कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए थे जो हमारे सी यू सेट एग्जामिनेशन में आने के चांसेस हैं या जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर सी यू सेट के पैटर्न की बात किया जाए, सी यू सेट के जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, एंटी जैसे क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है, इसकी बात अगर किया जाए तो इसके पिछले वाले वीडियो में तुमको मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में एक एक कैटेगरी के बारे में बताया था कि टोटल 6 कैटेगरी। जो बच्चे भी नहीं देखे उस वीडियो को जाकर के देखे अच्छे से, जहां पर तुमको ने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि टोटल 6 कैटेगरी के क्वेश्चंस इस बार पूछे गए थे। मैच द कॉलम के क्वेश्चंस थे, स्टेटमेंट्स को अरेंज करना था जो कि बहुत नए क्वेश्चन थे इस बार के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू, मल्टीपल स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन भी थे, एसर्शन रीजन की बात हम लोग किए थे। तो इस कैटेगरी को देखो और ये देखो कि क्या हमारा प्रिपरेशन इस हिसाब से चल रहा है कि देखो, एक होता है प्रिपरेशन करना और एक होता है बस गधों की तरह पढ़े जाना। ऐसा नहीं है, हमको स्मार्ट प्रिपरेशन करनी है। हमको ये देख करके चलना है कि जो हम पढ़ रहे हैं, जैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो अप टू द मार्क है कि नहीं। मेरा बस यही पर्पज़ रहता है कि जब तुम्हारे सामने क्वेश्चन आए तो तुम्हारे अंदर ये बिलीव हो कि यार ऐसा क्वेश्चन पहले मैं कर चुका हूँ। मेरा बस यही पर्पज़ है कि तुमको जब क्वेश्चन तुम्हारे सामने आए तुमको नया ना लगे और तुम्हें कॉन्फिडेंट हो तुम कि हाँ, ये क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, हम इसे कर सकते हैं, चलो इसको शुरू किया जाए। तो ये कॉन्फिडेंस कब डेवलप होगा, कैसे आएगा, जब हम वैसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके चलेंगे। ठीक है, तो हमें हमारी प्रिपरेशन करते वक्त इस बात को ध्यान रखना है कि हमको पूरे उस पैटर्न को फॉलो करना है। ऑब्वियसली कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं, मगर हम सिर्फ उसके भरोसे बैठे नहीं रह सकते, हमको पूरे पैटर्न को समझना होगा। तो पिछले वीडियो में तुमको बहुत डिटेल में समझा दिया था कि देखो, ये पैटर्न था 2021 में, और चूंकि NTA ही CU सेट को इस बार भी पूरा ऑर्गेनाइज कराएगा, तो इस बार ही एक्सपेक्टेड पैटर्न हूबहू वैसे ही होने वाला है। तो हमको अपनी प्रिपरेशन, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बायो हो, हर में ऐसे ही प्रिपरेशन करना होगा। फिजिक्स तो महज तुमको एग्जांपल लेके समझाने के लिए था कि चलो कैसे क्वेश्चन आते, बाकी पूरे सब्जेक्ट में यही पैटर्न फॉलो होगा। तो तुमको ध्यान रखना होगा कि हमको इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है ताकि हमारे लिए कोई क्वेश्चन नया किस्म का क्वेश्चन ना हो। ठीक है, और भी कुछ पैटर्न अगर बन सकते होंगे तो मैं उसको भी डिस्कस करूँगा, बट तुमको बस अपने प्रिपरेशन पर ध्यान रखना है कि इसमें कोई लापरवाही ना होने पाए और जो अभी 3-4 महीने बचे उसको हम लोग कितना अच्छे तरीके से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, इस बारे में पूरा ध्यान होना चाहिए। ठीक है, ओके फाइन। अब आज के क्लास की बात करें तो हम लोग आज बच्चों पढ़ना है इस 3rd लेक्चर में प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट। अब तक जो लोग पढ़े थे उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम अ ग्राउंड। ग्राउंड से किसी बॉडी को फेंक रहे थे, पैराबोलिक पाथ बना रहा था, उसमें तमाम चीज़ें थी, तमाम कॉन्सेप्ट्स थे, फॉर्मूले थे, क्वेश्चंस थे, उसकी बात हम लोगों ने कर लिया। अब किसी हाइट से अगर प्रोजेक्टाइल को फेंका जाए, किसी बॉडी को किसी हाइट से फेंके, तो इससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं और हमें इन क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, कैसे सॉल्व करना है, कैसे कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, और अगर BHU के एग्जामिनेशन की बात करोगे तो पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में ये फेवरेट टॉपिक है BHU का, जिससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। खैर, अब तो CU सेट होने वाला होगा तो हम लोग को हर टॉपिक पर इक्वली मेहनत करनी है, इक्वली बात करनी है, इक्वली टाइम भी देना हुआ है। ठीक है, तो अब इस टॉपिक की बात किया जाए बच्चों, इस टॉपिक में पहली बात तो कोई नया फॉर्मूला नहीं है। जो फॉर्मूला हम लोग 1D में यूज़ किए हैं या प्रोजेक्टाइल मोशन में जो फॉर्मूला, जो कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करे हैं, पढ़े हैं, उसी को यूज़ करना है। बस एक मेथड है, एक कॉन्सेप्ट है, उस मेथड को, कॉन्सेप्ट को तुमको सिखाता हूँ, समझाता हूँ कि ये क्या होता है, इसको कैसे समझना चाहिए, और फिर देखो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व होगा। तुमको किसी बुक, किसी की ज़रूरत फिर नहीं पड़ेगी। अगर तुम इस लेक्चर को थोरली देख लेते हो तो फिर एकदम आराम से शांति से जाओ, कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। बट पहले जो समझा रहा हूँ उसको ध्यान से समझो कि कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं और हमें कैसे क्वेश्चन करना है। तो होता क्या है कि प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट में, जैसे मान लो कि ये एक कोई सर्टेन हाइट है, तुमको मैं पहले समझाता हूँ क्वेश्चन कैसे बनते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, फिर इस पर क्वेश्चंस करेंगे। अभी पहले कॉन्सेप्ट को सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे मान लो कोई हाइट है, कोई बिल्डिंग है, हमें यहाँ से एक बॉडी को फेंकना है।
हाइट से इस बॉडी को मुझको फेंकना है। अब फेंकने के तो कई तरीके हो सकते हैं, जैसे मन करे वैसे फेंको, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम अ हाइट के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, अगर इसकी बात किया जाए तो इन जनरल इस बॉडी को इस हाइट से तीन तरीके से फेंका जा सकता है। अब तीन तरीके कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहला तरीका होगा जब हम बॉडी को कैसे फेंकते हैं, हॉरिजॉन्टल। तुम छत पे अपने खड़े हो, एक बॉल को हाथ में लिया और कैसे फेंके, एकदम सीधा हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल फेंका है। अब वो आगे जाएगा नहीं जाएगा वो तुमसे मतलब नहीं है, तुमने फेंका उसको हॉरिजॉन्टल है। तो पहला केस तो ये बन गया, जब तुम किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टल फेंकोगे तो फेंकने के बाद उसका पाथ तो पैराबोलिक हो ही जाएगा, वो तो अलग बात है, मगर फेंका तुमने उसको हॉरिजॉन्टल है। तो एक फेंकने का तरीका ये हो गया कि सर किसी हाइट से हम किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उसकी इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो इस तरीके से वो जाएगा और जा करके कहीं पर ऐसे गिरेगा, पैराबोलिक पाथ बनाएगा। एक केस नंबर वन हो गया। दूसरा केस क्या, कैसे क्वेश्चन आएंगे? दूसरे केस में कहा रहेगा कि उस बॉडी को किसी हाइट से फेंकना है लेकिन हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बनाते हुए नीचे की तरफ। समझ रहे हो, तुम ऐसे छत पे खड़े हो अपने, किसी बिल्डिंग पे, किसी हाइट पे खड़े हो और एक बॉडी को लिया और सीधे ना फेंक करके सीधे नीचे की तरफ निशाना लगा करके ऐसे फेंका नीचे की तरफ कुछ एंगल बनाते हुए। तो कुछ एंगल बनाते हुए डाउनवर्ड फेंक सकते हो, एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा, अच्छा इसमें भी कैसे कर, तुम देखो फेंको कैसे भी ग्रेविटी उसका पाथ हमेशा पैराबोलिक ही बनाएगा, उसका तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम फेंकने का डायरेक्शन जो भी रखो अल्टीमेटली पैराबोलिक पाथ पर उसको जाना है। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, जब उस बॉडी को हम लोग हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बनाते हुए वर्टिकल डायरेक्शन में फेंकें, ठीक है, ऊपर की तरफ ऐसे हॉरिजॉन्टल देख रहे हो, यहाँ से कुछ एंगल में ऐसे ऊपर की तरफ फेंका, ठीक है, ऊपर की तरफ कुछ एंगल बना ऐसे फेंका, तो बॉडी फिर भी अपने पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा और जा करके ऐसे कहीं पर वो गिरेगा, ठीक है, कुछ ऐसे। तो इन जनरल अगर बात किया जाए इन ब्रॉड सेंस, तो किसी बॉडी को किसी हाइट से फेंकने के ये तीन अलग अलग तरीके हो सकते हैं। ये तीन तरीकों से हम फेंक सकते हैं, सीधा, हॉरिजॉन्टल, या कुछ एंगल बनाते हुए नीचे की तरफ, या कुछ एंगल बनाते हुए ऊपर की तरफ, ठीक है। एंगल अलग अलग कर सकते हो तो अलग अलग एंगल होगा, मगर केस सिर्फ तीन बनेंगे। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तुमको इन तीनों, देखो इन तीनों कैटेगरी को, चाहे वो हॉरिजॉन्टल फेंको, चाहे नीचे की तरफ, चाहे ऊपर की तरफ, सबसे पहली बात तो इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मेथड एक ही है, मेथड डिफरेंट नहीं है, बट एक दो बेसिक अंतर है वो बताऊंगा, क्वेश्चन लेंगे समझाऊंगा किसमें क्या करना है। दूसरी बात कि तीनों ही कंडीशन पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक होगा, ठीक है, और तीनों कंडीशन में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा कि हमें किस स्टेप में कैसे अटेम्प्ट करना है, क्लियर है। तो जब भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट, इन तीन केसेस को पहले समझ लेंगे कि भैया इन तीन में से कौन सा केस है, क्या बॉडी को हॉरिजॉन्टल फेंका जा रहा है, क्या बॉडी को कुछ एंगल बना करके नीचे फेंक रहे हैं, क्या कुछ बॉडी को एंगल बना करके ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है। ये इन तीनों केस को पहले समझ लेंगे, क्वेश्चन पढ़ के समझो कि हाँ ये वाला केस है, सर ने तीन केस बताया था उनमें से ये वाला केस बन रहा है, चलो शुरू करते हैं। तो इनको ध्यान में रखना, ठीक है। और इस पर क्वेश्चन कैसे बनेंगे, इनको कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए मैं इन तीनों कैटेगरी पर, वो हॉरिजॉन्टल, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड, इन तीनों कैटेगरी पर एक एक क्वेश्चन लेकर तुमको समझाता हूँ कि कैसे करते हैं, क्या तरीका होगा, और फिर उस पर मैं क्वेश्चन दूंगा, तुम उसको क्वेश्चन करके मुझको बताओगे, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं फिर। तो बच्चों इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं और देखते हैं कि इन क्वेश्चंस को करने का मेथड क्या है और हमें अप्रोच कैसे करना चाहिए, ठीक है, जिसकी मैं हमेशा बात करता हूँ, अप्रोच सही तो क्वेश्चन सही। फ्रॉम हाइट ऑफ 120 मीटर, एक 120 मीटर की हाइट है, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, एक 120 मीटर की हाइट मान ली। फ्रॉम अ हाइट ऑफ 120 मीटर अ बॉडी इज थ्रोन विथ 20 मीटर पर सेकेंड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। एक हाइट से एक बॉडी को हमें
20 मीटर पर सेकंड से फेंकना, और वो भी कैसे फेंकना है इस बात पर ध्यान रखना, इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन, ठीक है, उसको सीधे फेंकना है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में फेंकना है, जैसा कि फिगर देख रहे हो, ठीक है। केस नंबर वन है हॉरिजेंटल, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड, ये तीन केस बनते हैं। इन तीनों केस को समझाऊंगा, एक एक करके समझते चलते हैं। तो इसको मैंने फेंका हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, हमने पहले कहा था डायरेक्शन तुम जो भी दो फर्क नहीं पड़ता है। इसका जो पाथ होगा बच्चों कैसा होगा, पैराबोलिक होगा, और पैराबोलिक पाथ बनाते हुए नीचे कहीं ग्राउंड पर गिरेगा, और ये ग्राउंड पे कितनी डिस्टेंस दूर जाकर गिरेगा वो हमको फाइंड करनी है, ये एक्स हमको फाइंड करना है, ठीक है। एक बात को तुमको समझना बहुत जरूरी है, यहाँ पर पे कुछ बेसिक चीज़ें फिजिक्स का जो एकदम बेसिक्स है उसको ही अगर बात किया जाए, जिसकी बात मैं बहुत तुमको पहले बता भी चुका हूँ, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी का काम है बॉडी को आगे बढ़ाना, आगे बढ़ाना इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इसका काम नहीं है कि बॉडी को नीचे लेकर के आए, ये बस बॉडी को आगे ही ले जाएगा। वो नीचे आ गया बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। मान लो अगर मैं कहूँ कि ग्रेविटी को एनी हाउ ख़त्म कर दो, अगर ग्रेविटी ख़त्म हो जाए, ग्रेविटी गायब हो जाए, तो क्या होगा पता है, ये बॉडी बस यूँ ऐसे चलता रहेगा 20 मीटर पर सेकेंड से, वो नीचे कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि इसका काम नहीं है नीचे लाना, क्योंकि वो उस डायरेक्शन में ही नहीं है। जो वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में होती है वो अपना काम करती है, ठीक है। तो इट इज़ ग्रेविटी विच इज़ टेकिंग द बॉडी इन दिस पाथ, इसका कोई रोल नहीं है नीचे लाने में, फिर मैं कह दे रहा हूँ, ठीक है। वो तो ग्रेविटी था इससे नीचे आ गया, वरना अगर किसी बॉडी को सीधे फेंकोगे और ग्रेविटी ना हो तो सीधा बस निकलता जाएगा, वो नीचे कभी नहीं आ सकता। दूसरी बात, हम लोग जब ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हम जानते हैं टू डायमेंशन मोशन है। टू डायमेंशन मोशन कैसे है तो बता दूं कि देखो बॉडी नीचे भी जा रहा है, आगे भी आ रहा है, नीचे भी जा रहा है, आगे भी आ रहा है, नीचे भी, आगे भी, नीचे भी, आगे, पीछे भी, आगे। तो नीचे और आगे ये दोनों काम एक साथ हो रहा है ना, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ नीचे ही जा रहा है, ये नीचे भी जा रहा है साथ साथ आगे भी जा रहा है। मतलब इसका वर्टिकल डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दोनों मोशन साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ हो रहे हैं, तभी तो ये टू डायमेंशन मोशन, ठीक है। तो टू डायमेंशन मोशन में करते हम लोग क्या है, बस एक ही तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, सिंपल तरीका है। ये हाइट हम देख रहे हैं 120 मीटर, इस हाइट को यूज़ करके हम लोग बॉडी के यहाँ से यहाँ तक, पहले पूरा समझ लो क्या प्रोसेस होगा, ठीक है। इस हाइट को हमको दिया रहेगा इन जनरल, अगर ना दिया हो तो कुछ और दिया रहेगा, हाइट हम लोग को दिया रहेगा। इस हाइट को हम यूज़ करके यहाँ से यहाँ तक आने का, ग्राउंड तक पहुँचने का उसका टाइम फाइंड कर लेंगे कि कितना वक्त वो लिया। फिर वो टाइम फाइंड करने के बाद हम इस डिस्टेंस को फाइंड करेंगे, ठीक है, क्योंकि इस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन को एक साथ कवर कर रहा है। जितना वक्त वो लिया है 120 मीटर गिरने में, उतना ही वक्त वो लिया है एक्स मीटर आगे बढ़ने में। ये तो कन्फर्म है कि ये 120 मीटर और एक्स मीटर ये दोनों एक साथ हुए हैं। तो जितना देर में वो वर्टिकल डायरेक्शन में 120 मीटर नीचे आया है, उतना ही टाइम में वो एक्स डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव भी किया है। तो दोनों का टाइम सेम है, मैं यहाँ से टाइम फाइंड करूँगा, उस टाइम को इस डिस्टेंस को फाइंड कर मैं यूज़ करेंगा, बस यही मेथड है, यही अप्रोच है। इस बात को तुमको समझना है, कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तुमको इस बात को समझना होगा कि सर ने इस मेथड को बताया था, ये ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, समझ रहे हो, शुरुआत कैसे करें समझ रहे हो, अप्रोच समझ रहे हो, चलो शुरू करते हैं फिर। तो आई विल राइट फॉर वर्टिकल मोशन, फॉर वर्टिकल मोशन, अगर वर्टिकल मोशन की बात हम लोग करें बच्चों, तो वर्टिकल मोशन के लिए h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर यूज़ कर सकते हैं। ग्रेविटी का सब खेल है, ग्रेविटी को कैसे हम छोड़ सकते हैं। तो हाई जो कवर किया है कितना है बच्चों, 120 मीटर, ठीक है। u के बदले क्या जाता है सर, इनिशियल वेलोसिटी। अब यहाँ पर पे कई लोग छोटी सी गलती करते हैं, मगर तुम्हें वो गलती नहीं करनी है, मैं बता दूँ क्या है। इस जगह पर कुछ बच्चे इनिशियल वेलोसिटी के जगह पे इस 20 मीटर पर सेकंड को पुट कर देते हैं, और लॉजिक क्या देते हैं कि सर इनिशियल वेलोसिटी तो रखना था, दिया तो है हमको इनिशियल वेलोसिटी, पुट कर दीजिए 20, ठीक है। दिस 20 इज इनिशियल वेलोसिटी जिससे मैंने फेंका है, बिल्कुल सच है, मगर इस 20 को यहाँ पर पुट नहीं कर सकते। रीज़न क्या है, रीज़न ये है
कि जो वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड देख रहे हो, ये बच्चों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी है। और तुमको बहुत पहले मैं बता चुका हूँ वेक्टर्स में कि हॉरिजॉन्टल वेक्टर्स को वेलोसिटी हो या कुछ भी हो वर्टिकल डायरेक्शन में यूज़ नहीं कर सकते। तुम ये जो इक्वेशन लगा रहे हो, फॉर मैं लिख दिया इसीलिए कि फॉर वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन के लिए मैं इक्वेशन लगा रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कोई काम नहीं है, इसका काम ही नहीं है बॉडी को नीचे लेकर। कि तुम बताओ ये 20 मीटर पर सेकंड बॉडी को नीचे लाने में कुछ थोड़ा सा भी हेल्प कर रहा है क्या? कुछ नहीं कर रहा है, वो ग्रेविटी का काम है। इससे सिर्फ वो आगे बढ़ेगा, सिर्फ आगे बढ़ेगा, सिर्फ आगे। तो जो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन करवाने के लिए जिम्मेदार है वो वर्टिकल डायरेक्शन में क्यों यूज़ करोगे? तो 20 यहाँ पर भी यूज़ नहीं होगा। जिस डायरेक्शन का इक्वेशन उस डायरेक्शन की वेलोसिटी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ लो। आई रिपीट, जिस डायरेक्शन का इक्वेशन उस डायरेक्शन की वेलोसिटी, ठीक है। ये इक्वेशन मैंने लगाया वर्टिकल मोशन के लिए। अब वर्टिकल मोशन में वेलोसिटी कितनी है? कुछ नहीं है, वो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन की कोई वेलोसिटी नहीं है, तो वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी अगर नहीं है तो चुपचाप यहाँ पे क्या रखना होगा? ज़ीरो। ऐसे ही करना है, यही मेथड है, इसी बात को समझना है, ठीक है। प्लस अगर जी मैं 10 लें तो कितना हो जाएगा बच्चों? 5t2। तो 120 बाई 5 कर दिया तो कितना आ गया? t2। तो 24 इज इक्वल टू क्या आएगा? t2। तो t इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों? 2√6 सेकेंड। तो इसको, इस मोशन को कंप्लीट करने में 2√6 सेकेंड लग गए। अब इस टाइम को हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। टाइम ही बस एक ऐसी चीज़ है जो वर्टिकल की हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल में यूज़ कर सकते हैं। वो भी क्यों? क्योंकि टू डायमेंशन मोशन में दोनों मोशन एक साथ होते हैं, ठीक है। तो समय दोनों का सेम होता है, समय का हम लोग यहाँ वहाँ कर सकते हैं, सिर्फ टाइम को ही। वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल में यूज़ नहीं होगी, एक्सेशन वर्टिकल का हॉरिजॉन्टल में यूज़ नहीं होगा, टाइम को यूज़ कर सकते हो क्योंकि वही दोनों में है जो कॉमन होता है। नाउ अब मैं बात करता हूँ बच्चों फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, फॉर हॉरिजॉन्टल। देखो एक बार तो को थोड़ा समय देना पड़ता है किसी भी चीज़ को समझने के लिए, एक बार थोड़ा सा समय खर्च करना पड़ता है, फिर वो धीमे धीमे आना शुरू हो जाती है। फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम कर सकते हैं। नाउ डिस्टेंस, अब देखो, अब मैं हॉरिजॉन्टल मोशन की बात कर रहा हूँ। इस हॉरिजॉन्टल मोशन को करवाने के लिए कौन वेलोसिटी जिम्मेदार है? कहोगे सर 20। तुम खुद सोचो ना यार, अगर 20 ना होता, अगर मैं इसको जीरो कर दूं तो क्या होता पता है? ये बड़े सीधा नीचे की तरफ गिरता, एक इंच भी आगे नहीं बढ़ता। तो इसको बढ़ाने के लिए एक्स डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड ही तो जिम्मेदार है। तो 20 इंटू टाइम कितना लिया? 2√6। तो यू गॉट हाउ मच? 40√6 मीटर। ये वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ऑफकोर्स इतना आसान क्वेश्चन शायद न पूछे, लेकिन तुम जानते हो मैं जब पढ़ाता हूँ तो ये मान के चलता हूँ कि मेरे सामने जो बच्चा बैठा है उसको ज़ीरो फिजिक्स आती है, उसको कुछ फिजिक्स नहीं आती है, वो ज़ीरो से मेरे पास आया है, ठीक है। अगर तुमको पहले से आता होगा वेल एंड गुड है, मगर जिन बच्चों को नहीं क्लियर है कॉन्सेप्ट कि क्या अप्रोच होता है एंड इन क्वेश्चंस में क्या तरीका अप्लाई करते हैं, यही तरीका अप्लाई करते हैं, ये तरीका है, ये मेथड है। अब इसी में बदलाव हल्का फुल्का चेंज करता रहेगा, हमको उसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो चलो, ये फर्स्ट केस था जब बॉडी को हम लोग कैसे फेंके थे? हॉरिजॉन्टल। अभी दो केस तुमको बताऊंगा जब बॉडी को मुझे फेंकना होगा डाउनवर्ड और फिर अपवर्ड, कुछ एंगल बनाते हुए, ठीक है। तो जल्दी इस क्वेश्चन को कर दो तो मैं फिर बाकी दो केसेस तुमको बताता हूँ, ठीक है, जल्दी। तो बाकी जो दो टाइप है उनको देख लिया जाए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इन द प्रीवियस क्वेश्चन इफ बॉडी इज थ्रोन विथ 20 मीटर पर सेकेंड, वही प्रीवियस क्वेश्चन है, हाइट वही है, स्पीड वही है, बट फेंकने का तरीका बदल दिया गया, मेकिंग 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, और दो केस बोला है डाउनवर्ड और अपवर्ड। अब इन दोनों का तुमको मतलब समझना होगा कि बॉडी को हमने फेंका है फ्रॉम सेम हाइट, दैट इज 120 मीटर, मगर पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि फेंकने का जो तरीका है वो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री बनाते हुए नीचे की तरफ, मेकिंग 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल डाउनवर्ड। तो ये हो गया तुम्हारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ से 30 डिग्री बनाओ और नीचे की तरफ फेंको, ये तुम्हारा क्वेश्चन कह रहा है
तो क्वेश्चन को अच्छे समझ लो और फिगर में उस बात को दिखाओ जो क्वेश्चन में कह रहा है। क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन? सेकंड छोड़ो, पहले फर्स्ट को देखो। तो 20 मीटर पर सेकंड से फेंकना है हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री डाउनवर्ड, नीचे की निशाना बना करके नीचे की, जैसे छत से किसी को तुमको अगर मारना है तो ऐसे कोई छत नीचे जा रहा है ऐसे मार दो, ऐसे लिया और नीचे निशाना बना ऐसे फेंक दो नीचे की तरफ, ठीक है? ठीक वैसे ही तुमको इसको फेंकना है, ठीक है? तो हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बनाते हुए नीचे की तरफ कुछ यूं तुमको ऐसे फेंकना होगा, ठीक है? ये एक्स डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा ये हमको फाइंड करना है। हाइट वही है 120 मीटर, मेथड नॉट मीटर पर सेकंड, 120 मीटर मेथड भी वही है, बट इसमें करना क्या होगा? सबसे पहली बात, अगर कभी भी ऐसे क्वेश्चंस में एंगल बनाकर फेंके, हॉरिजॉन्टल से इतना एंगल बना रहा है, सबसे पहले इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट फाइंड कर लेना, हॉरिजॉन्टल वाला अलग वर्टिकल वाला अलग, पहले बंटवारा कर लो ताकि किसी के किसी से कोई मतलब ना हो, ठीक है? तो 20 का अगर मैं यहाँ कंपोनेंट लूँगा तो कहता है कि बच्चों 20 cos 30, cos 30 रूट 3 बाई 2 तो कितना हो जाएगा 10 रूट 3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? यहाँ कंपोनेंट लूँगा तो क्या हो जाएगा बच्चों 10 sin 30, sin 30 नॉट 10, दिस इज 20, 20 sin 30, sin 30 कितना होता है 1/2, तो कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक क्लियर? तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, अगर कुछ एंगल बना कर दे तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट पहले अलग कर लो, हॉरिजॉन्टल अलग वर्टिकल, क्योंकि तुमको बता चुका हूँ मैं कि टू डायमेंशन मोशन में जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इनको अलग अलग यूज़ करना होता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को वर्टिकल में यूज़ नहीं कर सकते, वर्टिकल कंपोनेंट को हॉरिजॉन्टल में यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है? और वो भी इसलिए कि दोनों का अपना अलग अलग काम है। इस कंपोनेंट का काम होगा बॉडी को नीचे लेकर के आना ग्रेविटी के साथ, और इस कंपोनेंट का काम होगा बॉडी को आगे ले जाना अकेले। तो इसको कभी वर्टिकल में यूज़ नहीं करना, इस कंपोनेंट को भी हॉरिजॉन्टल में यूज़ नहीं करना है। क्लियर है? अगर ये कंपोनेंट नहीं होगा 10√3 तो बॉडी आगे जाना बंद कर देगा, ये कंपोनेंट अगर नहीं होगा तो बॉडी नीचे आना बंद कर देगा, ग्रेविटी है तो आगे दबा से बंद कर देगा, ठीक है? तो हमको समझना होगा कि कौन से कंपोनेंट को कहाँ यूज़ करना है कहाँ नहीं करना है। मेथड अभी भी वही है, इस हाइट को यूज़ करके टाइम फाइंड करना होगा, उस टाइम को फाइंड करके डिस्टेंस फाइंड करना होगा। मेथड क्लियर है ना? बस कैसे करेंगे वो देखो, तो मैं लिखूंगा अगेन, वैसे लिखूंगा फॉर वर्टिकल मोशन, पहले हम लोग को हाइट पता है तो वर्टिकल मोशन का फॉर्मूला लगा करके थोड़ा टाइम का हल चल पूछ लिया जाए। तो h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जे टी स्क्वायर, हाइट कितना कवर करेगा बच्चों 120। अब देखो यहाँ जो u हमको चाहिए, हम लोग को ये क्वेश्चन कहाँ लगा रहे हैं बच्चों, ये क्वेश्चन हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो यहाँ पर u कौन सा लेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी लेंगे। याद रखना ये u यहाँ पर पे हमें तुमको पहले कह चुका हूँ, जिस डायरेक्शन में इक्वेशन लगाओगे उस डायरेक्शन की वेलोसिटी हमको लेनी है। तो ये डायरेक्शन लगाओ वर्टिकल मोशन के लिए, तो यहाँ जो u होगा बेटा वर्टिकल कंपोनेंट लोगे यहाँ पे इस u के बदले, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई काम नहीं है। तो वर्टिकल इक्वेशन वर्टिकल कंपोनेंट, तो u के बदले क्या लूंगा मैं 10 की 10√3 10, तो कितना, हाँ इसमें एक बात और तुम्हें बता दूँ, 10/2 क्या होगा 5t2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर बनते हैं क्योंकि टी स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेंगे जिनको हमको सॉल्व करना होगा। तो अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूँ 24 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2t प्लस टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 24 इज इक्वल टू 0 कह सकते हो। अब इसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा इसमें कुछ नहीं कर सकते, तुमको इसको सॉल्व करना ही होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जनरली ऐसे क्वेश्चन में फैक्टर बन जाते हैं, तो फैक्टर क्या बन रहा है 6 4 = 24, 6 और 4 2 भी होता है, तो कितना हो जाएगा, फैक्टराइजेशन करोगे टी स्क्वायर प्लस 60 माइनस 40 माइनस 24 इज इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा बच्चों, टी कॉमन लिया तो टी प्लस 6, माइनस 4 कॉमन लिया तो टी प्लस 6 इज इक्वल टू 0, एक ब्रैकेट में टी प्लस 6, दूसरे ब्रैकेट में टी माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है? अब अगर मैं देखूं तो टी अगर इसको ज़रूर करूंगा तो टी इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस 6, और अगर इसको ज़रूर करूंगा तो टी इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों 4 सेकेंड। हम सब जानते हैं कि टाइम इन जनरल क्लासिकल फिजिक्स में कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड लोगे पॉजिटिव वैल्यू,
तो यहाँ से यहाँ तक गिरने का बच्चों हमको समय मिल गया कि यहाँ से यहाँ तक आने में वो 4 सेकंड का वक्त लिया है। अब 4 सेकंड में वो थोड़ा बहुत आगे भी तो बढ़ा है ना, आगे भी जो है नीचे आ रहा है, आगे भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है, आगे जा रहा। तो इसको 4 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक आगे आगे कौन ले गया? वो तो नीचे आ रहा था 10 की वजह से, आगे कौन ले गया? तो आगे कौन ले गया? 10√3 तो आगे ले गया। तो ये जब नीचे 4 सेकंड में गिर रहा है, देखो धीमे धीमे आगे, धीमे धीमे आगे, धीमे धीमे आगे भी तो जा रहा है, तो कितना आगे चला गया ये? इसको यहाँ से यहाँ तक कौन ले गया? यही कंपोनेंट ले। अगर ये कंपोनेंट ना हो तो सीधे धम से यहाँ पे गिर जाता। यही कंपोनेंट इसको धीमे धीमे खिसकाते खिसकाते यहाँ से यहाँ तक ले गया, ठीक है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ग्रेविटी कभी यूज़ नहीं होती है। तो स्पीड कौन सी लोगे सर? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे जो उसको आगे ले गया है। टाइम क्या लोगे सर? टाइम ही तो एक ऐसी चीज़ है जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में कॉमन होती है, उसके अलावा कुछ कॉमन नहीं होता है। तो टाइम कितना निकाला? 4। तो द डिस्टेंस दैट इट विल कवर विल बी 40√3 मीटर ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। तो ये तुम्हारा तरीका होगा, ये मैथड होगा। वेलोसिटी के कंपोनेंट लोगे, किस कंपोनेंट को कहाँ यूज़ करना है बता दिया हूँ, उसको यूज़ करके टाइम फाइंड करोगे, फिर उससे तुम एक्स फाइंड कर सकते हो। या किसी किसी क्वेश्चन में ये दिया होगा, ये पूछा जाएगा, मेथड वही है, टाइम फाइंड करना होगा। टाइम दोनों में कॉमन होता है, बस इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। चलो सेकेंड टाइप पर चलते, जहाँ कह रहा है कि बॉडी को फेंका गया है अपवर्ड डायरेक्शन में। अब अपवर्ड डायरेक्शन में जो फेंका गया है उसका थोड़ा फिगर ड्रॉ करके उसकी बातचीत भी कर लिया जाए, ठीक है। तो हाइट वही है, स्पीड वही है, बस बॉडी को हॉरिजॉन्टल से 30° एंगल बनाते हुए उसी स्पीड से, उसी 20 मीटर/सेकेंड स्पीड से बॉडी को हॉरिजॉन्टल से 30° ऊपर की तरफ फेंका गया, कुछ ऐसे, ठीक है। तो तुम चाहे जैसे उन वैसे फेंको, फेंकने पर तुम्हारा हक है, अधिकार है, तुम जैसे मन वैसे फेंको, लेकिन फेंकने के बाद तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है, ग्रेविटी ही उसको नीचे लाएगी। और अगेन पाथ कैसा होगा? पैराबोलिक होगा, कुछ यूं पाथ बना, थोड़ा ऊपर जाएगा बिकॉज ऑफ स्पीड, कुछ थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर रुक करके फिर ग्रेविटी उसको लगे नीचे पटक देगा, ठीक है। अब क्या करें सर? अब हमें वही फाइंड करना है कि भैया कितना डिस्टेंस वो आगे जाकर गिरेगा। हाइट वही है 120 मीटर, सर कैसे करें? मेथड कैसे का थोड़ा बता दीजिए, ठीक है। तो मेथड क्या होगा उसका देख लो, ठीक है। सबसे पहले फिर वही कहूँगा, कहीं भी ऐसे क्वेश्चन आए, एंगल दे, वेलोसिटी दे, सबसे पहले उसके दो कंपोनेंट को अलग कर लो। तो 20 का अगेन यहाँ लो तो 20 cos 30 कितना आएगा? अगेन सेम वैल्यू 10√3 मीटर/सेकेंड। अगर मैं इसका वर्टिकल कंपोनेंट लूँ, वर्टिकल कंपोनेंट कितना आएगा? 20 sin 30। तो अगेन 20 sin 30 इज कितना हो जाएगा बच्चों? 20 sin 30 इज 10 मीटर/सेकेंड। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये क्या हो गया बच्चों? वर्टिकल कंपोनेंट, अलग अलग कर लिया। किस कंपोनेंट को कहाँ यूज़ करना है अच्छे से क्लियर है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कब यूज़ करेंगे, वर्टिकल कब कहाँ यूज़ करेंगे, इसे से क्लियर है। फिर वही मेथड होगा, एग्जैक्टली वही मेथड है। हाइट यूज़ करो, हाइट दिया है तो इस कंपोनेंट को यूज़ करो, टाइम फाइंड कर लो, टाइम के हेल्प से, इस स्पीड के हेल्प से ये डिस्टेंस फाइंड कर लिया जाए। बट उसके पहले थोड़ा हमको फाइंड करना होगा टाइम की वैल्यू। तो अगेन मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा, h इज इक्वल टू ut + ½ gt², ठीक है। हाइट कितनी है? 120 मीटर, ठीक है, यहाँ पे लगा रहा हूँ 120 मीटर। वेलोसिटी में u के बदले कौन सा कंपोनेंट लेंगे? अब तुम बताओ 10√3 यूज़ करें कि 10 यूज़ करें इस जगह पे? सर आप इक्वेशन तो वर्टिकल डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्यों यूज़ करेंगे? उसका तो कोई रोल ही नहीं है। तो हम लोग हमेशा वर्टिकल कंपोनेंट यूज़ करेंगे वर्टिकल इक्वेशन में, लेकिन एक फ़र्क है इस फिगर में जरा सा फर्क देखो क्या है। यहाँ पर 10 मीटर/सेकेंड वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की तरफ था, यहाँ पर 10 मीटर/सेकेंड ऊपर की तरफ है, फ़र्क है। अब ये फ़र्क है तो हमको भी इस फ़र्क के बदले कुछ ना कुछ बदलाव करना पड़ेगा। कुछ बदलाव नहीं करना, छोटा सा बदलाव खाली करना है। चूंकि डायरेक्शन ऊपर हो गया है अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो यहाँ पर यू के बदले -10 तुमको रखना होगा, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो बॉडी नीचे की तरफ गिर रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की तरफ है,
प्लस लिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर बॉडी कैपेसिटी ऊपर की तरफ होगा तो यहाँ पे क्या लोगे, माइनस। यही मेथड है, यही अप्रोच बोल रहा हूँ, यही मेथड की बात कर रहा हूँ। इन सब को ध्यान रखना है, कोई तकलीफ नहीं होगी, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। बस रोबोट की तरह जो बोल रहा उसको दिमाग में फिट करते चलो और वैसे ही तुमको सॉल्व करना है। वेलोसिटी ऊपर माइनस, तो माइनस 10t और प्लस g10 लिया तो कितना हो जाएगा बच्चों, 5t2। तो अगर फिर मैं डिवाइड करूँ 5 से तो 24 इज माइनस 2t प्लस t2 और t2 इज माइनस 2t, इसको यहाँ ले गया माइनस 24 अगेन 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनते, उसको हम लोग नहीं हटा सकते, जो फैक्ट वो फैक्ट है। अब इसको सॉल्व किया जाए तो अगेन 6 4 = 24 एंड 6 माइनस 4 इज 2, ठीक है। तो अगेन t2 माइनस 60 प्लस 40 माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो t कॉमन लिया तो t माइनस 6 प्लस 4 कॉमन लिया तो t माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो t माइनस 6 और टी प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो टी इज इक्वल टू कितना आएगा, 6। टी इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 4। हमेशा मैं कहता हूँ कि क्लासिकल फिजिक्स में टाइम कभी नेगेटिव नहीं लेते हो, तो टी इज इक्वल टू 6 सेकंड टाइम निकल गया। और हम जानते हैं कि टाइम ही एक ऐसी चीज़ है जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कॉमन होती है, ठीक है। इस टाइम को यूज़ करके हम इस डिस्टेंस को फाइंड कैसे करेंगे, तो अगेन सेम फॉर्मूला, स्पीड डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। लेकिन ये यू में कौन सा कंपोनेंट यूज़ करूँ, तुम खुद सोचो ना यार, खुद कॉमन सेंस लगाओ। इस बॉडी को यहाँ से यहाँ तक ले करके आने में क्या इसका कोई रोल होगा, इसका तो रोल है ऊपर ले जाना सर, कोई मतलब ही नहीं है। सिर्फ ये 10√3 तो बॉडी को यहाँ से लेकर के आगे की तरफ आ रहा है। हॉरिजॉन्टल इक्वेशन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो कितना होगा 10√3 एंड टाइम कितना निकला बच्चों, 6। तो कितना डिस्टेंस कवर किया, 60√3 meters ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कवर करेगा बॉडी ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, ठीक है। ये तीन मेथड है जब बॉडी कैसे फेंकते हैं, हॉरिजॉन्टल सीधा, या कुछ एंगल बना के नीचे की तरफ, या फिर कुछ एंगल बना करके ऊपर की तरफ। जो भी डिफरेंसेस है, मेथड बिल्कुल सेम है, हल्का फुल्का जो दोनों तीनों में डिफरेंस है वो तुम्हारे सामने है, ठीक है। तो यही है, बस यही है प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट, और कुछ नहीं है। इसी को थोड़ा बहुत बदल बदल कर क्वेश्चन देगा, जिसकी हमको प्रैक्टिस बस करनी होगी। जल्दी इस क्वेश्चन करो, मैं तुमको अब भी तुरंत एक क्वेश्चन करने को देता हूँ, जल्दी डू इट। तो जो एक क्वेश्चन तुमको मैं करने को दे रहा हूँ, एक बॉडी को किसी हाइट से फेंका गया है, हाइट दिया है 12 meters, 14 meters per second से फेंका गया उसको, और फेंकने के तीन तरीके तुमको जो मैंने बताया था, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और कुछ एंगल बना करके नीचे की तरफ, और कुछ एंगल बना करके ऊपर की। ये तीन तरीके होते हैं जिससे क्वेश्चन बनते हैं। ये तीनों क्वेश्चन तुमको इसके ट्राई करने, तीनों पार्ट तुमको ट्राई करने, और सारे बच्चे मैं चेक करता हूँ, तुम लोग सारे बच्चे इस क्वेश्चन को ट्राई करना। वीडियो पॉज कर देना, अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले तुम सारे बच्चे इस क्वेश्चन को पहले ट्राई करोगे। अभी मैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊँ, वो क्वेश्चन अभी नहीं करना है, पहले वीडियो पॉज करोगे, पॉज करने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, कमेंट में अपने आंसर मेंशन करोगे, फिर जा करके तुम वीडियो को शुरू करके आगे क्वेश्चन नंबर 4th पे चलना। ये सारे बच्चे इसका आंसर मुझको देंगे, कमेंट बॉक्स में चेक करूँगा किसके किसके आंसर्स क्या क्या आ रहे हैं, ठीक है भाई। तुमको मेहनत करनी होगी, जो सीख रहे हो उसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, वो मैं तुमसे कराना चाह रहा हूँ, उसको करो, करोगे डेफिनेटली तुमको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का चेक करूँगा, ऐसे कॉपी कर लो और पॉज करके इसका आंसर देना, मैं चलूँगा क्वेश्चन नंबर 4th की तरफ, कॉपी कर लो इसे को। तो क्वेश्चन 4th की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 4th एग्जाम में तुम्हारे आया क्वेश्चन है, ऑप्शन लिख दिया उसके, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैसे सॉल्व करेंगे। फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, हाइट कितना है पता नहीं है, बस पुल दिए फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, अ बॉडी इज थ्रोन विथ 10 meters per second मेकिंग 30 degrees विथ हॉरिजॉन्टल डाउनवर्ड, डाउनवर्ड वाला केस है, ठीक है। तो हाइट हमें नहीं पता है, लेकिन हमको तीनों में से कौन सा तरीके से फेंका गया है वो हमको पता लग चुका है, ठीक है। तो मेथड देखो और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, लेट अस सपोज द हाइट इज, फिलहाल जो नहीं पता है, एच है,
इस हाइट से एक बॉडी को हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री बनाते हुए नीचे की तरफ फेंका जाता है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है, और वो भी कितने वेलोसिटी से। तो वेलोसिटी दिया है सर 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और फेंका तो जा कर के ऐसे कहीं वो ग्राउंड पर गिरा, और कितना दूर जाकर गिरा, ये डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, 17.32 मीटर दूर जाकर गिरा, ऐसा क्वेश्चन कहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया। इट्स हाइट इज, इसकी हाइट क्या होगी फाइंड करनी है, मेथड वही है। सबसे पहले इसके दो कंपोनेंट फाइंड करो, तो यहाँ कितना आएगा 10 cos 30, cos 30 रूट 3 बाई 2 के हिसाब से कितना आएगा बच्चों 5 रूट 3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ कॉम्पोनेंट कितना आएगा बच्चों 10 sin 30 के हिसाब से, sin 30 इज़ हाफ, तो कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये इसका दो कॉम्पोनेंट आ गया, 5 रूट 3 एंड 5 मीटर पर सेकेंड, अलग अलग डायरेक्शन में से कॉम्पोनेंट हमको मिल गए। हमें फाइंड करना है हाइट की वैल्यू। तुमको मैंने क्या बताया, ऐसे क्वेश्चन में टू डायमेंशन मोशन में कॉमन चीज़ क्या है, कॉमन है टाइम। हमें टाइम को बस यूज़ करना है दोनों कंडीशन में। इसके पहले वाले में हाइट दिया था, हाइट को यूज़ करके टाइम निकाला, टाइम को यूज़ कर डिस्टेंस निकाला, इसमें हाइट फाइंड करनी है। तो क्या दिक्कत है, डिस्टेंस तो पता है, ये दिया होगा तो ये पूछेगा, ये दिया होगा ये पूछेगा, कुछ और कुछ ना कुछ तुमको देगा तो कुछ ना कुछ तुमसे पूछेगा। इस डिस्टेंस को यूज़ करके हम लोग अब टाइम फाइंड करेंगे, और फिर उस टाइम को फाइंड करके फिर इस हाइट की वैल्यू फाइंड करेंगे। लेकिन इन कंपोनेंट्स को थोड़ा ध्यान से यूज़ करना होगा, कौन सा कंपोनेंट किस वक्त हमको यूज़ करना है ये हमको पता होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ फॉर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस कितना कवर किया सर, सिंपल सी बात है, 17.32 मीटर। किस स्पीड ने इस बॉडी को यहाँ से लेकर के यहाँ पे पटका है, जरा मुझको ये बताओ, किस स्पीड के वजह से बॉडी यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँच गई है, कौन सा स्पीड जिम्मेदार है, क्या 5 जिम्मेदार है, इस 5 का काम है क्या बॉडी को आगे लेके जाना, ऑफकोर्स नहीं, ये तो वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो इसको यहाँ से यहाँ तक कौन आगे बढ़ाया है, ऑफकोर्स 5 रूट 3। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू स्पीड इज 5 रूट 3 इंटू टाइम, ठीक है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 17.32 बाई 5 रूट 3, रूट 3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732 होती है, हम सब जानते हैं। 10 टाइम्स में कैंसिल होगा, 5 टू जा 10 हो गया, टाइम कितना आ गया बच्चों 2 सेकेंड। यहाँ से यहाँ तक आने में 2 सेकेंड का वक्त लगा। अब इस 2 सेकेंड में वो हाइट कितनी गिरा होगा वो फाइंड कर लेते हैं। तो अगेन फॉर वर्टिकल मोशन एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अच्छा, अब मैं वर्टिकल इक्वेशन लगा रहा, तो वर्टिकल इक्वेशन में इस u के बदले ये मत लेना, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका अलग रोल है, ये वर्टिकल कंपोनेंट है इसका अलग रोल है। तो वर्टिकल इक्वेशन वर्टिकल कंपोनेंट, तो 5 वक्त कितना लिया 2 प्लस 1/2, अगर मैं g10 ले लूं और फिर 2 का स्क्वायर मैं 4 कर दूं तो कितना आ गया 10 प्लस 20, द आंसर इज सिंपल 30 मीटर इज द हाइट। तो 30 मीटर वो हाइट से फेंका गया होगा, ये क्वेश्चन का आंसर है। अब बताओ, ये एग्ज़ाम में आया क्वेश्चन भी है तुम्हारे बी एच यू के, अब इसमें क्या मुश्किल है। अगर जिस बच्चे को मेथड पता है, अगर कोई बच्चा इसके इस टाइप के क्वेश्चंस कर चुका है, प्रैक्टिस कर चुका है, बातों को समझता है, तो उसके तो बस ये वेलकम है, आओ क्वेश्चन, आओ क्वेश्चन करो, बस आंसर दो और 3 मार्क्स ले जाओ, 4 मार्क्स ले जाओ, वॉट एवर जो भी है। तो हमें देखना होगा कि हम अपने आप को कैसे प्रिपेयर रखते हैं हर क्वेश्चंस के लिए, हर अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। जल्दी करो, चलेंगे टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चलो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, और इस मेथड से कौन से और क्वेश्चंस बन सकते हैं। मेथड वही है, मगर कैसे अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है उसकी बात भी कर लेते हैं। तो बात कर रहा है कि एक एयरप्लेन है जो 1960 मीटर की हाइट पर चल रहा है विद द ग्राउंड विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। इस बात को ध्यान रखना, जो उसकी वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और 720 किलोमीटर पर आ, अच्छी बात है। एट वॉट डिस्टेंस बिफोर अ टारगेट, इस बात को जो सेंटेंस ये लिखा हुआ है इसको तुमको मैं समझाता हूँ, ये आया कहाँ से और ये क्वेश्चन कैसे बना। देखो, तो सबसे पहले मैं एक एरोप्लेन बना दूँ, ठीक है। तो मान लो कि ये एक एयरप्लेन है
और ये किसी सर्टेन हाइट पर ऐसे उड़ रहा है, ठीक है। हाइट कितना दे रखा है, फ्रॉम द ग्राउंड इज हाइट इज 1960 मीटर। हाइट जो वो उड़ रहा है 1960 मीटर है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है। और इस एरोप्लेन की जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और कितनी है, 720 किलोमीटर पर आवर। ये भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों कह रहा है कि इस ग्राउंड पे यहाँ पर पे एक टारगेट है, ठीक है। देखो क्वेश्चन का फ्रेम कैसे हुआ, क्वेश्चन कैसे बनता है। ये एक टारगेट है, इस टारगेट पर मुझे कुछ गिराना है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे होता है ना कभी कभी बाढ़ आ जाती है तो जब ज़मीन के रास्ते कट जाते हैं तो फिर वो हवाई जहाज से वो जो राहत सामग्री जो होती है, रिलीफ पैकेट, जो फूड पैकेट, दवा वगैरह गिराते हैं, तो वैसे ही कुछ केस है। जैसे कि बाढ़ बढ़ाती है तो कोई गांव के लोग फंस जाते हैं तो ऊपर से कुछ उनको रिलीफ पैकेट वगैरह गिराते हैं, कुछ वैसे ही हैं कि यहाँ पर छोटा सा गांव है, उस गांव में कुछ लोग हैं जो फंसे हुए हैं, बाढ़ है चारों तरफ, पानी है, वहाँ जा नहीं सकते, ऊपर से कुछ इनके ऊपर गिराना है, खाना पानी दवा जो भी है। या फिर लड़ाई की बात कर लो, एक दुश्मन का कोई एक जगह है, टारगेट है, इस टारगेट को हमको हिट करना, कोई भी एग्जांपल तुम ले सकते हो, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, सुनो, ये टारगेट है, इस टारगेट पर मुझे इस चलते हुए एयरप्लेन से कुछ गिराना है, रुका नहीं है, ये होवर नहीं कर रहा है वहाँ पर भी, ये चल रहा है। तो होगा क्या अगर ये एयरप्लेन ठीक इसके ऊपर हो, जब ये एयरप्लेन ठीक इसके ऊपर आ जाए फिर तुम उससे वहाँ कुछ पैकेट गिराओ, तो वो पैकेट कभी इसके ऊपर गिरेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि इस ये जो तुम्हारा एयरप्लेन है ये रेस्ट में नहीं है, इसके पास वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रही है। तो जैसे ही यहाँ पर पहुँचा और तुम सोचे ये टारगेट है गिरा दूँ, जैसे ही गिराओगे वो पैकेट पैराबोलिक पाथ बनाते हुए आगे की जगह गिर जाएगा, उस टारगेट तक पहुँचेगा ही नहीं। हाँ, अगर मैं इस एयरप्लेन को इसके ऊपर ला करके रेस्ट में कर दूं, अगर इस एयरप्लेन को ऊपर ला करके वेलोसिटी जीरो कर दूं और हॉवर करता रहे, वहीं पर घूमता रहे, तब कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से गिराओगे नीचे गिर जाएगा। लेकिन अगर चलता हुआ आ रहा होगा और तुम इसके ऊपर आकर गिराओगे तब फिर दिक्कत है। या तो तब दो ऑप्शन है, या तो इस टारगेट के ऊपर आ जाओ सीधा और वहाँ पर आने के बाद अपनी वेलोसिटी को ज़ीरो कर दो, जैसे ही ज़ीरो करो कोई टेंशन नहीं है, बॉडी गिरा बॉडी ऐसे निकल जाए। और अगर तुम वहाँ पर पे वेलोसिटी ज़ीरो नहीं करना चाहते हो, बस चलते चलते पैकेट गिराया और आगे बढ़ गए ऐसे करना चाहते हो, तो तुम्हें उस टारगेट के थोड़ा सा पहले ही फूड पैकेट को गिरा देना होगा। क्यों, क्योंकि जब तुम इसके ऊपर आकर के फूड पैकेट को गिराओगे तब तो आगे निकल जाएगा वो, तो क्यों ना ऐसा करें कि उससे कुछ दूर पहले ही हम फूड पैकेट को गिरा दें। क्योंकि जब तुम यहाँ से उस फूड पैकेट को छोड़ोगे तो उसका पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा कि उस फूड पैकेट को उस टारगेट तक पहुँचने के लिए हमें क्या करना होगा, उस टारगेट से पहले ही उस पैकेट को हमको ड्रॉप करना होगा, ठीक है। तो अब पूछा गया कितने पहले उस पैकेट को ड्रॉप करे कि वो उस टारगेट तक पहुंच जाए। तो जैसे मान लो यहाँ से ड्रॉप किया गया तो उसका पाथ पैराबोलिक होगा, पैराबोलिक बात बनाते हुए यहाँ पर ऐसे वो हिट करेगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हमसे पूछी गई है कि कितना डिस्टेंस पहले उस हम पैकेट को उस प्लेन से ड्रॉप कर दें कि वो उस पैकेट तक, उस टारगेट तक पहुंच जाए। अगर यहाँ के छोड़ोगे तो ऐसे गिर जाएगा फिर, या तो स्पीड ज़ीरो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना डिस्टेंस पहले ड्रॉप करे कि वो उस टारगेट के ऊपर जाकर गिर जाए, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया। तो ये कौन सा केस है, तीन केस तुमको बता, कौन सा केस है, हॉरिजॉन्टल, डाउनवर्ड और वर्टिकल, इन तीनों में से कौन सा केस है, तो इन तीनों में से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला केस बन रहा है, ठीक है। तो मेथड वही है, ये हाइट दिया हुआ है, यहाँ से टाइम को फाइंड कर लेंगे, टाइम को फाइंड करने के बाद ये हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो वही करते हैं फिर, नाउ h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लगा दे, इस स्पीड को पहले मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया जाए, तो 720 मीटर पर सेकंड में चेंज किया तो 5/18 कितना हो जाएगा, ये 40, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 200 मीटर पर सेकंड, ये इसकी स्पीड आ गई।
H इज इक्वल टू हाइट कितना कवर करना है 1960। अब बताओ यहाँ पर पे U के बदले, क्या इस U के बदले हम 200 मीटर पर सेकंड लेंगे? बिल्कुल नहीं। ये U किस डायरेक्शन में है सर? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। और वर्टिकल कंपोनेंट में आप ये वाला U यूज़ करेंगे जो फिलहाल नहीं है, तो यहाँ पे क्या पुट करते हैं, 0 प्लस 1/2। जी हमें यहाँ पर पे 9.8 दे रखा है, तो जो दे रखा है वही लेंगे, जब दिया है तो 9.8 ही लेंगे। तो अब ये इसको अगर तुम डिवाइड करोगे तो चेक करोगे पूरा 200 टाइम्स में, आई थिंक ये कैंसिल हो जाएगा, इसको चेक कर देना ठीक है। और टू में भी है तो कितना हो जाएगा, 400 इज इक्वल टू टी स्क्वायर एंड टी इज इक्वल टू 20 सेकेंड्स। तो 20 सेकेंड का वक्त लग जाएगा उस बॉडी को यहाँ से यहाँ तक आने में, और 20 सेकेंड आते आते वो बॉडी यहाँ से छोड़े, मगर आते आते 20 सेकेंड में बहुत आगे जा चुका होगा। कितना आगे जा चुका होगा, डिस्टेंस फाइंड करनी है ठीक है। नाउ डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड कौन सी यूज़ कर सकते हो? अब तो यूज़ कर सकते हैं हम लोग 200, और टाइम कितना है ये 20, तो कितना आ जाएगा 4000 मीटर्स और 4 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर डिस्टेंस पहले उस टारगेट से 4 किलोमीटर पहले ही तुमको पैकेट को ड्रॉप कर देना होगा, नहीं तो अब तुम उसके ऊपर अगर आ करके ड्रॉप करोगे तो फिर वो पैकेट 4 किलोमीटर दूर जा कर के किसी और जगह पे गिर जाएगा ठीक है। या तो उसके ऊपर अगर स्पीड ज़ीरो कर दो, कोई दिक्कत नहीं, स्पीड ज़ीरो कर दो दिक्कत नहीं है, वहीं का वहीं गिर जाएगा। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल स्पीड है तो फिर पहले ही ड्रॉप करना होगा ठीक है। कितना पहले? 4 किलोमीटर ठीक है। तो अप्रोच वही, मेथड वही, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा गया था ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कर लो, चलेंगे टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके तो सबने कर लिया, तो चलो हम लोग आज यहाँ पे स्टॉप करेंगे, और अब इसके बेस हमें क्वेश्चन करना होगा। तो जो भी हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे और उसमें ध्यान रखेंगे कि जो पैटर्न को हमने बताया था उस पैटर्न पे ही क्वेश्चन में करना है ठीक है। इसमें एक चीज़ हम लोग को और पढ़नी है, जो नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे हम लोग, वो है इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलेंगे तो उस इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल की बात करेंगे, और उस पर कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं उसको सॉल्व करेंगे, और शायद वो हमारा इस टॉपिक का लास्ट क्लास होगा। फ्यूचरिंग टूवर्ड्स हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ना है ठीक है। तो जो क्वेश्चन तुमको दिए हैं उसका आंसर सारे लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, और मैं देखूंगा कहाँ पे सही क्या पे गलत है ठीक है। तो फिर मिलते हैं इस क्लास में, इसको अच्छे से कंप्लीट कर लो और नोट्स प्रिपेयर करते रहो, और जो मैथड बताया हूँ उसको अच्छे से देखो, कहीं कोई दिक्कत है तो उसको तुम मुझको मेंशन करो, डिस्कस करते हैं इस क्लास में फिर ठीक है। थैंक यू।